11 मई को अरनी पुलिस ने खुलासा किया कि ट्रक के अंदर पशु चारा के नाम पर गुटखा की तस्करी की जा रही थी। यवतमाल से अरनी पुलिस को सूचना मिलते ही अरनी के कर्तव्य परायण थानेदार पीताम्बर जाधव ने पीएसआई खंडारे और उनके साथियों की मदद से दरगाह के पास हाईवे जाम कर दिया। वाहन का पीछा कर सुकली के पास वे एक पेट्रोल पंप के पास वाहन को जब्त कर अरनी पुलिस स्टेशन लाया गया। ट्रक का नंबर CG04MH0889 था और यह रायपुर से नांदेड़ के लिए जा रहा था। अरनी पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि वे अरनी से भाग रहे हैं, यवतमाल में पुलिस से बचने के लिए भागे हुए आरोपियों की जानकारी मिलते ही थानेदार पीताम्बर जाधव ने खुद सड़क जाम कर तेज रफ्तार वाहन के चालक को पकड़ा। वाहन में फालका के पास मवेशियों का चारा पाया गया, लेकिन उसके अंदर प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू और अवैध गुटखा पाया गया। 26,26,400 रुपये का गुटखा और 20 लाख रुपये का नया आयशर ट्रक, 40,26,400 रुपये का माल जब्त किया गया है। चालक पुलिस हिरासत में है और खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया गया है। अरनी पुलिस आगे की जांच कर रही है। VKB न्यूज के लिए यवतमाल से अजीत महेंद्री की रिपोर्ट। आज रोजी गुप्त माहितीदाराकडून मिळालेल्या खबरेनुसार आम्हाला माहिती मिळाली की एक गाडी छत्तीसगडहून नांदेडला सुगंधित गुटखा आणि सुगंधित तंबाखू घेऊन जात आहे। अशा खबरेवरून आम्ही नॅशनल हायवेवर सुकलीजवळ बेक पेट्रोल पंप नाकाबंदी करून आयशर गाडी पकडली आणि ती गाडी पोलीस स्टेशनला आणून त्या गाडीतला माल खोलून पाहिला तर त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुगंधित तंबाखू, गुटखा आणि माजा असा एकूण 26,24,400 अधिक आयशर गाडी असा एकूण 46,400 रुपयाचा माल पकडून जप्त केलेला आहे। अन्न व औषधी प्रशासनाला बोलून पुढील कारवाई करण्यात येते।